मेरा तो वैसा नहीं है ना कि मैं तुमको देखना नहीं चाहता, फिर कभी चांस मिले ना मिले। देखो चाहिए किसी साए में जगह। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत दिन का बाद खेती आया है। हम लोग खेती करता है बहुत पहले से, हम लोग ही नहीं, मेरा पूरा गांव खेती करता है। तो मैं आज बहुत दिन के बाद खेती जा रहा हूँ, तो मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि हम कौन सी खेती करते हैं और हमारा खेती कैसा है। खेती कैसा है, खेती मेन खेती तक पहुँचने के लिए आपको इस कीचड़, ऐसा कीचड़ से जाना पड़ता है। ठीक है, देखो गिर ना जाए। हाँ, बहुत स्लिप है। देखा, अगर जो एक्सपीरियंस वाला नहीं है वो तो गिर जाएगा। ये नाला वाला में गड्ढा वड्ढा है, इसमें पैर सफा करता हूँ थोड़ा सा। देखा, देखो ये खेती इतना सुंदर है। देख हमारा यहाँ ना दो टाइम खेती होता है, मतलब मैं जो लगाता है उसको अभी काट रहा है। मई और जून में जो लगाने वाला खेती है वो धान अभी निकल के उसको काटना शुरू कर दिया। अभी हम लोगों ने भी लगाया था उसी का काट रहा है, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। उसका बाद जो अगस्त को लगाता है, अगस्त और सितंबर तक जो लगाता है उसको काटता है दिसंबर जनवरी तक काटता है। टू टाइम खेती होता है, इसलिए यहाँ हमारा जो गांव में है कोई भी खरीदा वाला चावल नहीं खा सकता और खाता नहीं है ज़्यादा से, मतलब अपना खेती किया वाला ही खाता है। और आप लोग को बता रहा हूँ कि जो खेती है ना, जो खुद किया वाला खेती ना, बहुत टेस्टी होता है खाने में। बिना सब्जी से भी खा सकता है वो, इतना टेस्टी होता है। लेकिन अब खरीदा वाला को नहीं खा पाएगा बिना सब्जी से। आज थोड़ा मौसम इतना ठीक नहीं है, इतना हरियाली देखो, हवा चल रहा है। और ये खेती का घर है, यहाँ काम करके रेस्ट करता है और खाना वाना खा सकता है। ये है कि मतलब जून में लगाने वाला खेती जो अभी काटना शुरू हो गया। ये तो हमारा यहाँ ऐसा धान काटता है, उसके बाद इसको कटने के बाद ना सुखाता है, सुखाने के बाद जमा करता है। जमा करने के बाद हम लोग गाड़ी बुला के गाड़ी में उठा के घर लेके जाते हैं। ये मेरा खुद का लगाया वाला खेती है। मैं जून में छुट्टी में था, उसमें पूरा महीना में ये खेती लगाया था। आज देखो कितना अच्छा लग रहा है खेती। अब खाने का टाइम हो गया, या पता नहीं। तो काम करने के बाद खाना वाना तो यही खा जाता है। अब देखो थोड़ा पहले बताया था ना कि धान काटने के बाद धूप में सुखाने के बाद ऐसा जमा करना पड़ता है। ये तो ज्यादा सूखा नहीं है क्योंकि बारिश था, इसलिए हम लोग पहले इसको क्लोज कर दिया जमा करने के लिए ना, और ऐसा करके रखते हैं जमा करने के बाद सूख नहीं पाते। जब तक मौसम ठीक नहीं होगा तब तक नहीं लेता है, जब मौसम ठीक होगा तो गाड़ी बुला के उठा लेता है इसको। अब शाम हो गया है तो हम लोग घर वापस जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच जो मेरा वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मैं जस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि मैं भी अच्छा एडिटर या ब्लॉगर बन जाऊँ, अच्छा लगता है, इसलिए थैंक यू सो मच।